हेलो बॉयज़, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लेट्स बिगिन। सो बॉयज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का आपको मैं पबजी क्वेश्चन दे देता हूँ। सो गाइज़, आज का पबजी क्वेश्चन ये है कि जो TDM मैच हम खेलते हैं उसमें जो TDM है उसका फुल फॉर्म आपको बताना है। और गाइज़, जो भी ये इसका सही फुल फॉर्म बताएगा उसका कमेंट मैं पिन करूँगा और अगले वीडियो में इसको शाउट आउट दूंगा। और गाइज, हमारे लास्ट वीडियो के विनर है गुरजोत सिंह। सो गुरजोत भाई, अ बिग शाउट आउट टू यू एंड थैंक यू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग। सो गाइज, लेट्स बिगिन विथ आवर वीडियो। सो गाइज, फर्स्ट अपडेट आ रही है गॉडलाइक गिल की तरफ से। सो गाइज, लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने गॉडलाइक लीव कर दिया था, बट कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई नहीं थी कि वो कौन सी नई लाइनअप को ज्वाइन करने वाले हैं। सो गाइज, फाइनली ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। ऑरेंज रॉक के इंस्टाग्राम पेज पे उन्होंने ये फाइनली पोस्ट कर दिया कि गॉडलाइक गिल ने ऑरेंज रॉक को ज्वाइन करा है और ये परमानेंट लाइनअप है। ये सिर्फ PMIS के लिए नहीं, PMWL और आगे फ्यूचर टूर्नामेंट्स के लिए भी उन्होंने ऑरेंज रॉक को ज्वाइन कर लिया है। और गाइज, जहाँ तक बात रही ऑरेंज रॉक की कंप्लीट लाइनअप की, अभी तक तो ये श्योर हो चुका है कि ऑरेंज रॉक की लाइनअप में मावी, दलजीत और गिल आ चुके हैं, बट फोर्थ मेंबर जो खेलने वाला होगा वो अभी तक श्योर नहीं है। और जहाँ तक बात रही स्काउट की, तो उनकी तरफ से अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया नहीं है कि वो उन्होंने OR ज्वाइन करा है या नहीं, बट कल अपनी लाइव स्ट्रीम पे नोवा ने गलती से लीक कर दिया था कि स्काउट ऑरेंज रॉक ज्वाइन करने वाले हैं। तो नोवा ने इस बारे में क्या बोला आप खुद ही देख लीजिए। कॉम्पिटिटिव फ्रॉम वन ओर कैन बी कंटेंट क्रिएटर ऑफ अनदर ओर। सौम्य अग्रवाल, यस ब्रो, इट इज पॉसिबल ब्रो। स्काउट के केस में देख लो, OR से खेलेगा अपने, कॉम्पिटिटिव कंटेंट क्रिएटर बनेगा अपने फैनेटिक से। बस जैसे कि नोवा ने यहाँ पे बताया कि एक प्लेयर दो ऑर्गेनाइजेशन एक साथ ज्वाइन कर सकता है एज अ कंटेंट क्रिएटर और एज अ कॉम्पिटिटिव प्लेयर। और गाइस, स्काउट ने अपने ऑडियंस से ये भी बोला था कि वो PMWL खेलने वाले हैं। वो पहले मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। व्हाट इज द टारगेट ऑफ 3 मंथ बाय द वे? वर्ल्ड लीग इज इन दिस मंथ, हु नोस मेरे भाई, वर्ल्ड लीग ये महीने में होने वाला है कि नहीं, किसी को आइडिया नहीं ना, क्योंकि कोरोना है। चिल मारो, तुम्हारा भाई वर्ल्ड लीग खेलेगा, ये तुम्हारे भाई की जवान है, बस इतना मैं हिंट देता हूँ। तुम्हारा भाई वर्ल्ड लीग खेलेगा, टेंशन ना लो, गांड का जो लगा देंगे वर्ल्ड लीग खेलेंगे। सो बॉयज, इससे यही पता चलता है कि स्काउट ऑरेंज रॉक की लाइनअप को ज्वाइन करने वाले हैं। वेल, आउटकम यही हो सकता है कि वो ऑरेंज रॉक ज्वाइन करेंगे और तभी वर्ल्ड लीग खेल पाएंगे। सो गाइज, इसके बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और गाइज, ये सब अभी एक प्रोबेबिलिटी है, कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई ऑरेंज रॉक की तरफ से या स्काउट की तरफ से। सो बॉयज, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। सो गाइज, जैसे कि आपको इस वीडियो में मैंने पहले बताया कि गॉडलाइक गिल ने गॉडलाइक लीव कर दिया है। सो गाइज, उनके प्लेस पे अब फनेटिक रौनक ने गॉडलाइक को ज्वाइन कर लिया है जस्ट फॉर PMIS। सो बॉयज, इसकी अनाउंसमेंट सबसे पहले गॉडलाइक कैरी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे करा था और उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी में आपको स्क्रीन पे दिखा ही रहा हूँ। एंड गाइज, ये सिर्फ PMIS की लाइनअप है और ये कोई भी परमानेंट लाइनअप नहीं है, इस PMIS के बाद चेंज भी हो सकती है। सो लेट्स सी गॉडलाइक का कैसा परफॉर्मेंस आता है PMIS में। सो बॉयज, अब PMIS की बात कर ही रहे हैं तो एक और लाइनअप अपडेट आ रही है सोल अमन की तरफ से। सो बॉयज, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सोल अमन की तरफ से रूमर्स आ रही हैं कि वो MGZ को ज्वाइन करने वाले हैं। सो गाइज, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुकी है। MGZ के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल ने ये पोस्ट करा है कि सोल अमन विल बी ज्वाइनिंग मार्कोस गेमिंग फॉर PMIS। और ये गाइज सिर्फ PMIS की लाइनअप होने वाली है और इस लाइनअप में होने वाले हैं सूर्या, मैंटी, अमन और MGZ शैडो। सो बॉयज, आप बात कर लेते हैं अपनी पबजी मोबाइल कम्युनिटी के एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक के बारे में, जिसमें लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि पबजी मोबाइल चाइनीज़ है या नहीं। सो गाइज, बहुत लोग का ये कहना है कि पबजी मोबाइल कोरियन है, बहुत लोग का ये कहना है कि पबजी मोबाइल चाइनीज़ है। सो गाइज, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पबजी मोबाइल चाइनीज़ है या नहीं। सो गाइज, आपको पबजी के बारे में पता होगा कि पबजी PC पे भी खेला जाता है। मैं एमुलेटर की बात नहीं कर रहा, मैं रियल पबजी PC की बात कर रहा हूँ। सो गाइज, पबजी PC और पबजी मोबाइल दोनों बिल्कुल अलग अलग गेम्स हैं, इन दोनों के डेवलपर्स बिल्कुल अलग अलग हैं। तो भाई, स्क्रीन पे जिसकी आप अभी फोटो देख रहे हैं उनको तो आप शायद जानते होंगे, ये पबजी के डेवलपर हैं। सो गाइज, इनका नाम है ब्रेंडन ग्रीनी। सो गाइज, इन्होंने जो पबजी डिज़ाइन करा था वो पबजी PC है, ये पबजी PC के डेवलपर है, ये पबजी मोबाइल के डेवलपर नहीं है। सो गाइज, 6 साल पहले इन्होंने ब्लू होल कंपनी और पबजी कॉर्प से मिलके एक गेम डिज़ाइन करा था जिसका नाम था पबजी PC और ये गेम इन्होंने साउथ कोरिया में डेवलप किया था। सो गाइज, पबजी PC साउथ कोरियन है, बट जो पबजी मोबाइल है उसकी मेन ओनरशिप Tencent के पास है, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है। सो गाइज, यस, बेसिकली वी कैन से पबजी PC कोरियन है और पबजी मोबाइल जो गेम है वो चाइनीज़ है। सो गाइज, इस रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है या आप कुछ आपने कमेंट्स बताना चाहते तो आप नीचे अपने ओपिनियन ज़रूर बताना मुझे, मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ। और आप भी कि आपको क्या लगता है, पबजी मोबाइल चाइनीज़ है, पबजी मोबाइल कोरियन है? मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया। और अगर आपको इसके और डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हो, मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा आपको एक्सप्लेन करते हुए। सो बॉयज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो को लाइक कर देना जैसे कि आप हमेशा करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और गाइज, जैसे कि आपको पता है कि मैं पिछले कुछ दिन से इरेगुलरली वीडियो डाल रहा हूँ, न्यूज़ डालने में थोड़ा लेट हो जा रहा है मुझे, वो इसलिए क्योंकि गाइज मेरा सेटअप जो है PC सेटअप वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट अब सारा मेरा सेटअप और इंटरनेट कनेक्शन वापस से स्टेबल हो चुका है। सो गाइज, अब वीडियो बहुत रेगुलरली आएगी। सो बॉयज, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। बाय बाय।
Yeah.